कैसे हो चूसे? तू कैसा है नीलिमा? एक नंबर। वैसे एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है मेरे पास। एक सोने की दुकान है जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है, उससे तुझे और तेरे दोस्तों को उस तक पहुंचाने की सुपारी दी है, वो तेरा तंदूरी बनाएगी। वादा कर कि तू ग्रूट को कुछ नहीं करेगा और मैं तुझे बैटरीज तक पहुंचा दूंगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अगर वादा निभाना होता तो तुझे कब का पहुंचा देता। ये तेरा रोज का चुटस्पा है या सिर्फ आज? पर्सनालिटी ऐसी है। वैसे तूने वादे के मुताबिक क्विल को ईगो को क्यों नहीं सौंपा? वो छोटा था ना, ऐसी जगह पर पहुंच जाता था जहां पर हम नहीं पहुंच पाते। अब क्या इरादा है? बैटरीज पर कब्जा करना, क्योंकि चोर बाजार में उनकी कीमत अरबों में होगी। लेकिन सोन परी लाख रुपए देगी। लाख बहुत ही ज्यादा होता है। अरब ज्यादा होता है? मैंने सुना था कि लाख ज्यादा होता है। नहीं तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि लाख टकी की बात है? अंकल को बाहर निकालने में मदद करोगे? तुम्हें जाकर एक चीज लानी होगी। वहाँ सरदार के कमरे में लोहे का एक हेलमेट रखा हुआ है जो मेरे सर का ताज है। वहीं खटिए के बगल में एक दराज है, उसके अंदर है, रंग लाल। समझ में आया? ये वर्कर की आंख है, वो सोते वक्त उसे निकाल देता है। जाओ फिर से देखो। पर ये आंख यहीं छोड़ गया। पर क्यों? क्योंकि कल सुबह उसके पास अपनी आंख ढूंढने के लिए आंखें नहीं होगी। ये मेरा कच्चा है। मुझे पता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे भोजपुरी में समझा। दहरा कहत बानी सर का कंटो। ये छोटा डायनासोर हेलमेट लाना है ग्रूट। तू क्यों नहीं कोशिश करता? ये टेबल है। टेबल और हेलमेट में फर्क है बेटा। जिस दराज को तुम्हें खोलना है उस पर ये निशान बना है, समझे? क्या? नहीं। प्लीज कह दे कि तेरे जहाज में एक फ्रिज है जिसमें सारे पैर के अंगूठे रखे हैं। इसका मतलब ये किसी के पैर का अंगूठा काट के लाए। तू मरवाएगा क्या भाई? जिस तरह तूने उसके तारीफ के पुल बांधे थे, मैं समझ गया था ये ईगो खतरनाक है। हम यहाँ क्विल को बचाने आए हैं। पर क्यों? प्यार के लिए या उसूल के लिए? नहीं, ऐसी बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तू दिखाता है कि तू बेपरवाह और पत्थर दिल है, पर असल में तू एक नंबर का डरपोक है। चुप। तेरा बिना कारण बैटरीज चुराना, तेरे अजीबो गरीब हरकतों को जो झेलते उन्हें खुद से दूर करना, क्योंकि प्यार की एक बूंद भी तेरे पड़े और खाली दिल के खंडहर में एक गूंज पैदा कर देती है। मैंने कहा ना चुप कर। तू खुद को और बाकियों को उल्लू बना सकता है पर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ तू कौन है। तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है चंडू। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ झींगे। रब ने भी क्या जोड़ी बनाई है, एक ऐसी जोड़ी जो इस ईगो के ग्रह को ग्रहण लगाएगी। सही है। ओके बढ़िया। ये तो किस पे ग्रह? पलाश भूतनी के। मुझे पता है तुझे बनाने वाले वैज्ञानिकों को तेरी जरा भी फिक्र नहीं है। अब तू मेरी हटा रहा है। बिल्कुल मेरे उन निर्दयी माँ बाप की तरह जिन्होंने मुझे बेच दिया अपने बच्चों को गुलाम बनने के लिए। मैं जानता हूँ तू कौन है लौंडे, क्योंकि हम दोनों एक है। एक दुबला पतला बच्चा था, वरना जरूर तू मुझे संकी को सौंप देते। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने तुझे तेरे टिकटॉक के लिए रखा। तुमने मुझे यही तो बताया ना बुढ़ो। बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ ये सोचकर तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दिया। तुमने मुझे कहा था तुम मुझे खाने वाले हो। वो तो मैं मजाक कर रहा था। मेरी तो बैंड बज गई थी। यार तुम दोनों के बड़े लफड़े हैं यार। अबे लफड़े किसके नहीं होते गोचू। सब खड़े होकर जाते? हाँ सब खड़े खड़े ही जाते हैं। और क्या, मैं मुंबई लोकल में खड़ा हूँ। उसने मुझे ऊर्जा को काबू करना भी सिखाया। तो कर पाया? थोड़ा सा। एक बॉल बनाया। एक बॉल? अरे भाई जितना सोच सकता तो उतना सोचा, जितना हो पाया उतना कर दिया। तूने सोचा? तुझे क्या लगता है मैं अपना टिकट भी सोच के चलाता हूँ? मैं अपना तीर दिमाग से नहीं चलाता हूँ बच्चे। Let's go!
बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने आज तक लाइफ में कोई सही काम नहीं किया लौंडे, ये मौका मत छीन। ये क्या बोला? इसने बोला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम में तेरा स्वागत है।